फसल की बिजाई करन दे लई नवी टेक्नीक आई आ ASR टेक्नीक का नाम आ गल करांगे किसान इकबाल सिंह साडे नाल मौजूद ने जो इस टेक्नीक दे नाल फसल बीजदे ने। सो इकबाल सिंह जी तुसीं मोगे जिले तों बिलोंग करदे हो, कदों दे इस टेक्नीक नाल फसल बीज? हाँ जी सत श्री अकाल जी सारयां नूं। हाँ जी मेरा नाम इकबाल सिंह, पिंड नथूवाला गरवी तहसील बागापणा डिस्ट्रिक्ट मोगा जी। मैं अपना 2010-11 तो ही लग गया सीधी बिजाई करन, पहला सुके जी बीज दे रहे हैं, फिर रौनी करके बीज दे रहे हैं, हुण डॉक्टर अवतार सिंह फवाड़ा जी की ASR विधि राही झोना बीज रहे हैं जी। ये तकनीक का बहुत वधिया फायदा, अपना कोई नदीन की प्रॉब्लम नहीं आती, कोई लेबर की प्रॉब्लम नहीं हैगी, कोई करंट वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आती ये जी। जो 8-10 साल तो टेक्नीक ना फसल बीज दो, कि झाड़ मिलता, तो किन्ने किले की खेती कर? मैं 34-35 किलों की खेती करदा जी, तो तकरीबन कद्दू वाले बराबर ही झाड़ आउंदा जी अपना। तो ये मेन तो मौसम का होंगे जी, मान लो जिन्ना कद्दू वाले का झाड़ पिछली बार घट ही रहे थे, तो अपना मान लो भी 27-27.5 क्वेंटल का अपना ASR का झाड़ आया सी, तकरीबन उन्ना ही कद्दू वाला झोना निकलिया गा, तो तकरीबन वो बराबर ही आता जी। पानी किन्ना क बचता, क्योंकि पंजाब के पानी की गल करिए पानी तो थले जा रहा बिल्कुल, पानी किन्ना क बचता? पानी भी ये बहुत ज़्यादा बचत है जी। आप मान लो भी पहला मई अपना 1 जून नू अपा इहदी बिजाई करनी है जी, बिजाई तो बाद अपा 21 दिन घट्टो घट 21 दिन बाद पहला पानी लाउणा जी इहनू, ते उदू बाद आपा मान लो भी 10-10 दिन बाद पानी लाउणा जी इहनू। कोई झोने च पानी खड़ाउण दी लोड़ नहीं, कोई इहनू कोई भी प्रॉब्लम नहीं आउंदी मान लो सुकण दी, जां कोई 10 दिन बाद आपा आराम नाल झोना एक बारी पानी लाया कढ़दा जी। एक बार झोना पानी लाया तो कट जाता, पर जो झाड़ की गल की जाए, क्योंकि झाड़ होना बहुत जरूरी है, इनकम भी उतों ही होंगी है किसान, तो झाड़ कि झाड़ मान लो जी जिमें पिछली बार अपना तकरीबन कद्दू वाले झोने का 23 क्वेंटल तो लैके जी 27-28 क्वेंटल ती झाड़ रहा, तकरीबन अपना भी 27-27.5 क्वेंटल के इड़ गिड़ झाड़ आया जी। तकरीबन कद्दू वाला मान लो भी जिन्ना झोना वो बराबर ही, वो तो वध तो सकता जी, वो तो घटता नहीं गा। झाड़ तुसी दस रहे हो भी उत्तो बढ़ जाता घटता नहीं है, तुसी गरंटी लै रहे हो सी, पर कद्दू वाला झोना वो अज भी बीजा जा रहा, चाहे सरकार वालों कहा कि कद्दू ना किया जाए, पर अज भी वो झोना बीजा जा रहा, की कहना चाहोगे उन्होंने लोगों को? वो ए जी कद्दू वाले झोने के अपनी मान लो भी 4-5 हज़ार रुपये का लेबर का खर्चा ही पै जाता, होर कद्दू के खर्चे पै जाते, डीजल का खर्चा पै जाता, तो बंदा वेला नहीं हुंदा, क्यों पानी पूनी की घाट रही है, लाइट बिजली घट आउंदी है, तो ये मान लो भी अपना केरां बंदा बिजाई करके तकरीबन वेले वांगू ही हो जाता, तो ना तो मान लो भी 21 दिन का पहला पानी आप लाना ही नहीं गा। बाकी रेह रूह पानी जी कोई भी स्प्रे करनी आप झोने पर बहुत सौखी है जी करनी, लैणा दे विच जाना कोई खुबना नहीं, कुछ नहीं करना जी। तो झाड़ दे विच जे कोई भी अपना किसान डरदा होगा, झाड़ दे विच नहीं कोई भी घाटा आना, तकरीबन कद्दू वाल दे नाल ही झड़ूगा। थोड़ा जिहा परसनल जिहा सवाल कर लैने, क्योंकि गल की जाए तो लेबर बहुत पैंदी है, दूजे पासे इस च लेबर किन्नी क पैंदी, तुसीं आप किन्ना कम कर? इहदे विच मान लो भी लेबर दा तां प्रॉब्लम जमें ही खत्म है जी। ये मान लो भी आपां सुहागे मार के एक जाने ने अपना ट्रैक्टर चलाउणा जी, उहने बिजाई कर देनी है, तो उदू बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आउंदी। इहदे विच मान लो भी जिहड़ी ASR तकनीक की खासियत है जी, जिवें पहलां आपां DSR तकनीक करदे हां जी, उहदे विच मेन प्रॉब्लम सब तो पहलां करंट दी आउंदी सीगी जी, ये करंट की प्रॉब्लम नहीं आती जी, तो अपना नदीन की प्रॉब्लम आती DSR ये नदीन की भी 90% प्रॉब्लम नहीं आती, तकरीबन बंदा वेले वांगू ही रहिंदा जी। सो ASR टेक्नीक एक नवी टेक्नीक आ, किसान इकबाल सिंह बीते कई सालों तो इस टेक्नीक नाल फसल बीजते हैं, दसते हैं कि झाड़ बराबर आउंदा, हुण देखना होगा इन्हां दे मैसेज का आम लोगों पर की असर पैंदा आने वाला समय दसेगा। कैमरा परसन आकाशदीप दे नाल रवि जी।